के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। कोरोना संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगाई गई है। हालांकि इससे पहले भी अलग अलग जिलों में कोरोना को लेकर शिक्षकों की तैनाती की गई थी और इसे लेकर आदेश राजधानी रायपुर से शिक्षकों के लिए निकाला गया। यहां अलग अलग जोन में 100 से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगाई गई है। इसके लिए कलेक्टर के नाम सहित आदेश भी जारी किए गए हैं। आदेश में साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि जो भी शिक्षक व कर्मचारी ड्यूटी से इनकार करेगा या फिर अपनी ज्वाइनिंग नहीं देगा, उन्हें विभागीय कार्रवाई के साथ साथ 1 साल तक की जेल की सजा भुगतनी होगी। दरअसल राजधानी सहित कई जिलों से शिकायत मिल रही थी कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी मरीज को अस्पताल पहुंचाने में बहुत देर हो रही है। कई मरीज को 3 से 4 दिन तक इंतजार करना होता है। स्वास्थ्य विभाग की दलील थी कि उसके पास मैन पावर की कमी है, लिहाजा अब मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुँचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर रखी गई है। तो लगातार कोरोना मरीजों को इंतजार करना होता था, रिपोर्ट आने के बाद भी किस प्रकार से वे अस्पताल पहुंचे, इसको लेकर अब नई तैयारियां की गई हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा आदेश जारी किए हैं जिसमें अगर कोई भी शिक्षक ड्यूटी से इनकार करेगा या फिर ज्वाइनिंग नहीं देगा तो उसके लिए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि जो भी शिक्षक व कर्मचारी ड्यूटी से इनकार करेगा या अपनी ज्वाइनिंग नहीं देता है, उन्हें विभागीय कार्रवाई के साथ साथ 1 साल तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो छत्तीसगढ़ में नया फरमान जारी हुआ है और आपको बता दें कि अलग अलग जोन में 100 से ज्यादा शिक्षकों को ड्यूटी करनी होगी जिसमें उनका काम कोरोना पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाना। निधि हमारे साथ जुड़ गई। निधि, जिस प्रकार से सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ से या देश के अलग अलग कोने से भी खबरें आती रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हमने हमारे न्यूज चैनल में भी कई फोन ऐसे आए हैं जिसमें वो शिकायत करते पाए गए हैं कि हम लगातार फोन कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, 2-2, 3-3 दिन का इंतजार पेशेंट्स को करना होता है। अब जो फरमान जारी हुआ है, जो आदेश जारी हुए हैं, उसमें शिक्षकों को ड्यूटी करनी होगी कोरोना पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, कब से ये आदेश लागू हो जाएगा? जो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे सुनीता कि जिस तरह से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कोरोना की जो भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में है उसे देखते हुए ऐसे कई मरीज थे जो पॉजिटिव आने के बाद भी 2-3 दिनों तक अपने घर में मजबूरन रह रहे थे क्योंकि किसी भी तरह से स्वास्थ्य विभाग की कोई गाड़ी उन्हें लेने नहीं आती थी। बार बार फोन किए जाने पर भी लापरवाही देखी जा रही थी, जिसका अगर हम बात करें तो इससे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बताया था कि जिस तरह से ये बार बार शिकायतें मिल रही है, इसकी कमी है मैन पावर, और मैन पावर की कमी की वजह से इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह की जो बातें हैं बार बार सामने आ रही है, जिसे देखते हुए अब एक नया आदेश जारी किया गया है कलेक्टरों द्वारा कि अब जो शिक्षा कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी सारे कोरोना पेशेंट्स को उनके घरों से या जिस जगह पर भी है वहां से अस्पताल तक पहुंचाने की। जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि कोरोना पेशेंट्स काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी पूरी सुविधाएं या उन्हें अस्पतालों तक ले जाने के लिए काफी दिक्कत हो रहा है क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो अगर कोई कोरोना पेशेंट सुनते हैं तो सामने आने का प्रयास नहीं करते, और स्वास्थ्य विभाग अगर इसमें देरी करता है तो वहां रह रहे पेशेंट्स को काफी दिक्कत होती है और तमाम तरह के जो लोग हैं उन्हें भी एक तरह से खतरा बना रहता है। तो इन पूरी चीजों को देखते हुए अब शिक्षा कर्मियों के जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और इसके लिए आदेश भी निकाल दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो जोन है उसमें अलग अलग तरीके से ये ड्यूटी लगाएगी, जो कमिश्नर होंगे उनके पास इसका पूरा डाटा होगा, वो पूरे तरह से इन्हें गाइडलाइन करेंगे और हर जोन में 2 सुपरवाइजर रहेंगे और 2 सुपरवाइजर के अंतर्गत
12 12 शिक्षक जो है उनके अंतर्गत काम करेंगे, उनकी ड्यूटी उन सुपरवाइजर के साथ लगाई जाएगी। जो सुपरवाइजर होगा वो पूरी तरह से देखेगा कि शिक्षक किस तरह से काम कर रहे हैं। निगम के कई कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही आपको बताएं कि इस बात के लिए सख्त आदेश है, अगर कोई भी शिक्षा कर्मी इस ड्यूटी के लिए इनकार करता है या आदेशों का उल्लंघन करता है तो उन पर जो है अपराध भी दर्ज किया जाएगा, जिसमें 1 साल की जेल भी उन्हें हो सकती है। और इसके साथ ही जो निगम के कर्मचारी इसमें काम करेंगे अगर वो किसी तरह से आदेश का उल्लंघन करते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत उन पर अपराध दर्ज किया जाएगा, जिसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल आपको हो सकती है। तो इस तरह के तमाम जो है परेशानियों को और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की समस्या को देखते हुए ये एक बड़ा हल निकाला गया है। और क्योंकि मैन पावर की कमी थी तो इसे पूरा करने के लिए अब जो शिक्षा कर्मी है उनकी ड्यूटी जोन में लगेगी, हर जोन में अलग अलग तरह के शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कोरोना पेशेंट को अस्पतालों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे और इस तरह से वो अपनी पूरी ड्यूटी निभाएंगे। जी सुनीता जी, बिल्कुल नीति जी, जिस प्रकार से बता रही है कि लगातार स्कूल के जो शिक्षण सत्र है वो स्थगित है और अब जो तमाम शिक्षक है तमाम स्कूलों के वो इस वक्त खाली है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या कहीं कुछ स्कूलों में नहीं चल रही है। तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी में शिक्षक नजर आएंगे, एक तरफ से कहा जाए तो एक बड़ी समस्या का हल माना जा सकता है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ जहां कोरोना संकट की मार से जूझ रहा था तो वहीं कहीं ना कहीं जो कोरोना पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हुए हैं संक्रमित हुए हैं वे भी परेशान हो रहे थे कि किस प्रकार से वो अपना इलाज कराएं, क्योंकि जो फोन लाइन दिए गए हैं जो नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन वहां पर भी उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब कहीं ना कहीं ये हल मिलता नजर आ रहा है। जो बिल्कुल सुनीता, एक अच्छा हल और एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है इसे, क्योंकि जिस तरह से ये हल निकाला गया है इससे मैन पावर की क्षमता बढ़ेगी और मैन पावर की क्षमता बढ़ने से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पॉजिटिव आने के बाद भी अस्पतालों तक काफी देर से पहुंच रहे थे या 2 से 3 दिनों तक अस्पताल से एम्बुलेंस ना आने की वजह से स्वास्थ्य कर्मी ना आने की वजह से उन्हें घरों पर रहना पड़ रहा था, अब ये जो शिक्षा कर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है लगाई जाएगी दोनों में इनकी मदद करने के लिए इन्हें अस्पताल तक पहुंचने के लिए इससे शीघ्र से शीघ्र जो पॉजिटिव मरीज है वो अस्पतालों तक पहुंच पाएंगे, उन्हें जो स्वास्थ्य की सुविधा है उन्हें जल्द से जल्द उनकी सुविधाएं मिल पाएंगी, उनका इलाज हो पाएगा और जल्द से जल्द वो जो पॉजिटिव मरीज है वो ठीक भी हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा जो है हल निकला है, एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है जो काफी सराहनीय है और इसके साथ ही अब मैन पावर बढ़ने की वजह से जो स्वास्थ्य विभाग का एक तरह से बर्डन था वो बर्डन एक तरफ से कम होता बिल्कुल नजर आ रहा है सुनीता जी। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग भी एक साथ एकजुट होकर कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी में तैनात नजर आएगा और छत्तीसगढ़ सरकार ने यह अनोखी पहल की है जिससे कहीं ना कहीं अब जो बल मिलता है स्वास्थ्य सेवाओं को वो मिलता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जोन में 100 से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना पेशेंट्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगाई गई है और इसके लिए कलेक्टर ने बकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं और बहुत जल्द तमाम जो ड्यूटी है उसको समझकर तमाम ट्रेनिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ साथ शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक भी नजर आएंगे। जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको सख्त हिदायतें भी दी गई हैं कि अगर कोई भी शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं देता है या विभागीय कार्रवाई में आनाकानी करता है तो उसके साथ 1 साल की जेल का प्रावधान, सजा का भुगतान भी उसे करना होगा, क्योंकि लगातार शिकायतें जो मिल रही थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज अस्पताल पहुंचाने में उनको देरी हो रही थी, इसी वजह से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।